अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं। और फिर नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। ये ट्रेन का व्लॉग है, जहाँ से मैंने व्लॉग खत्म किया था वहीं से स्टार्ट किया है। तो यहाँ मम्मी हाथ धो रही, पानी नहीं आ रहा था, तो मम्मी पूछ रही थी पानी कहाँ से आता है। मैंने कहा नीचे से पैर दबाइए। और देखिए ट्रेन चल रही है और रात का टाइम है एकदम, तो यहाँ पर देखिए आराम से वॉश बेसिन वगैरह रहता है। और हम लोग आ गए अपनी कोच की तरफ। यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह सब लगा रहे हैं। और जोहान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हल्का फीवर उसको फील हो रहा था, तो वो लेके लेट गया है। और पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था ना कि मैं ट्रेन पे चढ़ी थी, उसी का आगे का ब्लॉग है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह एकदम फ्रेश दी जाती है, एक एनवेलप, बड़े से एनवेलप के अंदर, तो वही बेडशीट वगैरह मतलब एकदम वॉश्ड क्लीन रहती है। तो ये हम लोग इसको बिछा रहे हैं, तकिया देते हैं, दो बेडशीट देते हैं, बेडशीट ओढ़ने के लिए और एक बिछाने के लिए, और उसके अलावा एक अलग से ब्लैंकेट भी देते हैं। तो ये देखिए बेडशीट वगैरह हम लोग सेट कर रहे हैं सोने के लिए। और ज़्यादा इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है, ये सब चीज़ें बच्चों ने की नहीं है ना, तो देख के उन लोग को ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। तो अभी देखिए बेड वगैरह सेट हो गई है, हस्बैंड ने पूरा बिछा दिया, मैंने भी हेल्प कर दी थी उनकी। और ये देखिए पिल्लो है इस तरह से। तो जब हम लोग ट्रेन पे चढ़े थे ना, तो ट्रेन एकदम खाली थी, ट्रेन वहीं से ही चली थी, तो इसलिए देखिए आपको ट्रेन एकदम खाली खाली नज़र आ रही हो कि ट्रेन भी एकदम नई थी। इसका स्ट्रक्चर पुरानी वाली ट्रेन से जो पिछले व्लॉग में आपने देखा था डिफरेंट है। तो देखिए जोहान को हस्बैंड ने उठा के ऊपर लिटा दिया है, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। यहाँ पर मैं लेट जाऊँगी उसके बाजू में, और बच्चों को मैं पहले से ही फुल कपड़े पहना के लाई थी ताकि इन लोगों को ठंड वंड ना लगे, क्योंकि एसी कोच रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा रहती है, एकदम ठंडा रहता है। इस तरह से जो रहता है ना, ये रात में बंद कर देते हैं, मतलब दिन में, ताकि लोग आराम से बैठ सके। और जब सोने का टाइम होता है ना, तो इसको इस तरह से फंसा के ओपन कर दिया जाता है, बीच वाला जो सीट होती है सोने की, बर्थ इसको बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी का बेड लग गया है, मम्मी और जोहान इधर सोएंगे। हम लोग की तीन सीट्स थी और बच्चों की सीट्स नहीं थी, तो तीनों बीच के इत्तेफाक से मिली। नीचे की जो सीट्स थी ना, वो हम लोग को नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स लोगों की थी। तो जो लोग 60 के ऊपर होते हैं ना, अगर वो लिख देते हैं हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो उन लोग को प्रायोरिटी में नीचे की सीट्स दी जाती है। या जो फिर जो लोग वो होते हैं, मतलब चल वल नहीं सकते हैं सही से, और या फिर प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, तो इस तरह से उन लोग को प्रायोरिटी में नीचे की सीट्स दी जाती हैं, बाकी लोगों को ऊपर की सीट्स मिलती हैं रिजर्वेशन के टाइम पे। पहले से हम लोग का रिजर्वेशन हुआ था। तो देखिए जोहान इधर, जायद इधर लेट गया है नानी के साथ, एक तरफ नानी ने सर किया हुआ है, एक तरफ जायद ने सर किया हुआ है इस तरह से। और देखिए बेडशीट में इन लोग को ओढ़ा रही हूँ ताकि ठंड नहीं लगे, और ज़्यादा ठंड लगती है तो उसके ऊपर से ब्लैंकेट उड़ा दिया जाता है। हस्बैंड भी लेट गए और फिर बोलने लगे कि मैं जाके उतरता हूँ, नीचे जाके देखता हूँ स्टेशन आया है, दूसरा क्या है, खाने पीने की दूसरी चीज़ें। तो देखिए उनको नींद नहीं आ रही है, वो देख के एकदम से वो मचल रहे कि स्टेशन आया है मैं जाता हूँ। और ये देखिए हम लोग सो गए हैं, और ये देखिए ट्रेन बीच में रुकी हुई थी, शायद स्टेशन आया था, दूसरे पैसेंजर्स आए थे बाजू की सीट में, तो हस्बैंड वही बोल रहे थे मैं जाके चेक करता हूँ क्या है कुछ खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि मुझे नींद आ नहीं रही है, इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है। और इधर मम्मी लोग देखिए सो चुके हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का सबका साथ में ट्रेन में ट्रैवल करना साथ में, क्योंकि हमेशा प्लेन में और गाड़ी में तो ट्रैवल किए थे। और फिर सुबह हो गई और बहन के हस्बैंड आ गए कार लेकर, और हम लोग उसी पर बैठ के जा रहे हैं। ये देखिए बड़ौदा गुजरात में, गुजरात के बड़ौदा सिटी हम लोग लैंड हुए। सारे जो लगेज था वो चला आया है। मेरा भाई और मेरा भांजा इन वापस चले गए इलाहाबाद, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, मेरा एक दो बैग वो लेके चले गए थे। और ये देखिए उन लोग की कॉलोनी आ गई, ये बंगलोज ड्यूप्लेक्स वाला कॉलोनी है, आरजू बंगलोज करके, तांजलिया एरिया में है उन लोगों के, जहाँ पे इरफान पठान का घर है, इन्हीं लोग की कॉलोनी में है उनका भी, दूसरा सामने वाली जो कॉलोनी है, मगर एरिया का नाम तांजलिया है। ये पूरा ड्यूप्लेक्स है, और देखिए सारे घर आपको एक जैसे देंगे दिखेंगे, क्योंकि ड्यूप्लेक्स पूरा जो कम्युनिटी ड्यूप्लेक्स होता है ना, गेटेड कम्युनिटी, उस तरह से बनाया है। तो इन लोग वहीं पर ही रहते हैं, सारे घर एक जैसे हैं। देखिए आ गया बहन का घर। तो बस हम लोग अंदर की तरफ पहुंच गए हैं, ये देखिए जायद आ गए मिलके, सामान वामान हम लोग रख रहे हैं और पहुँच रहे हैं, बहन है मेरी। फिर हम लोग मिले और फिर आए काफ़ी दिनों बाद, भाई की शादी में मुलाकात हुई थी, उसके बाद अभी हुई है, क्योंकि अजमेर शरीफ से थोड़ा करीब था, रात भर का सफ़र था ट्रेन से, तो हम लोग ने सोचा जब अजमेर शरीफ तक आए हैं तो उससे भी मिलते हुए फिर चलते हैं। तो देखिए आके हम लोग बैठ गए हैं, और हम लोग का सामान जो है जल्दी से मेरे बहनोई और उसका बेटा, बहन का, सब ऊपर रखने लगे। और यहाँ पे देखिए इतना सारा नाश्ता सजा दिया था कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, इतनी तरह की मिठाइयाँ, चाय, बिस्किट, डोनट्स, केक, नमकीन, और देखिए मिठाइयाँ ही तीन चार तरह की हैं, ब्रेड, टोस्ट, सब चीज़ रखा हुआ था। बस हम लोग यही सोच रहे थे क्या खाएँ क्या नहीं खाएँ, हस्बैंड वही बता रहे कि कितना सारा सजा दिया नाश्ता। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने किया, और इसके बाद बच्चे थोड़ा खेलने मिलने लगे, और हम लोग नहा वहा लिए थे, बच्चों ने थोड़ा सा खेला, हम लोग खाए पिए,
और फिर सो गए, लंच भी करे, फिर ऐसा सोए कि डायरेक्ट शाम को उठे 4 बजे। और फिर दिखाती हूँ मैं आज आप लोग को बंगलो टूर देती हूँ। देखिए इस तरह से कुछ होता है आरजू बंगलोज करके, बंगलोज नंबर 1, बंगलोज नंबर 2, जो भी बंगलो नंबर होता है ना उनका, उनके गेट के पास उनका नंबर दिया हुआ होता है, ये देखिए नंबर 8। तो इसी तरह से इन लोग की जो कम्युनिटी है वो होती है, जो पहचान है घर की वही मतलब बंगलोज के नाम से, बंगलो नंबर 1। कोई पार्सल आता है तो इस बंगलो पे देखिए बाहर से कुछ इस तरह का पूरा घर दिखता है। ये टाइल्स वाले जब बिल्डर ने बना के दिया था, टाइल्स वगैरह नहीं लगी थी, इन लोग ने बाद में लगाया, क्योंकि डायरेक्ट जब बिल्डर से आप खरीद लो, दूसरे घर पर मैंने दिखाया है उस तरह से रहता है, पेंट वेंट सब एक ही तरह का रहता है, घर का स्ट्रक्चर बाहर से अंदर से सब एक ही तरह का रहता है। और अगर जब आप बनवाने जाओ तो कुछ चेंजेस कराना होता है तो आप करा सकते हैं। देखिए बाहर का इस साइड का पूरा, देखिए किन किन लोगों ने अपना चेंज भी करवाया है, वो टाइल्स वगैरह भी लगा लिया है, और कुछ लोगों के वैसे ही है अभी। तो देखिए यहाँ पे साइकिल वगैरह खड़ी करने के लिए जगह, या फिर आप कोई गार्डन बना सकते हैं, प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबा सा कॉरिडोर है जहाँ पे आप अपनी साइकिल स्कूटर जो भी खड़ा करना खड़ा कर ले, और जो कार है वो इस एरिया में आ जाती है, इन लोगों की बाहर के एरिया में आ जाती है। फिर अंदर घुसते ही साथ ये देखिए ये हॉल है, और हॉल भी काफ़ी बड़ा है। देखिए बाहर विंडो है तो काफ़ी अच्छा उजाला आता है, और इस तरह से कुछ हॉल नज़र आता है। मैंने सोचा मैं आप लोग को जब आई ही हूँ तो ड्यूप्लेक्स इंडिया में जो ड्यूप्लेक्स होते हैं उसका थोड़ा सा टूर करा देती हूँ, किस तरह के ड्यूप्लेक्स होते हैं। घर तो देखते ही हैं लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, मगर ड्यूप्लेक्स जो होता है वो बिल्डर एक ही डिज़ाइन का बनाता है ना, और वो एक ही कॉलोनी में 100, 150, 200 इस तरह के घर एक ही जैसे होते हैं, तो उसी तरह का है। और ये देखिए इस तरह का कुछ हॉल है, और हॉल के साथ ही देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर की तरफ, मतलब बाहर के एंट्रेंस के जस्ट बाजू में ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ गई हुई हैं। यहाँ पे ब्लैक डोर जो देख रहे हैं वो वॉशरूम है, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक रूम है जो कि गेस्ट रूम होता है, मगर गेस्ट रूम कौन बनाता है, लोग अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। रूम भी काफ़ी बड़ा है नीचे का ही, तो यहाँ पे ये लोग दिन भर रहते हैं, और रात में फिर जब सोने का टाइम होता है तो ऊपर जाते हैं। ये देखिए इधर टीवी लगी हुई है, और रूम के बाजू से ही रास्ता है किचन का, मतलब रूम है एक साइड किचन है, दोनों का हॉल से ही वो होता है एंट्री होती है। किचन भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, उजालेदार है, एकदम अच्छे से वेंटिलेशन है, क्योंकि बाहर का की तरफ डोर लगा हुआ है, विंडो भी है बड़ी सी, तो काफ़ी अच्छा उजाला आता है। ये देखिए, और ये इनका बैकयार्ड है इस तरह से, आंगन कह ले लीजिए, बैकयार्ड दुबई में हम लोग बैकयार्ड बोलते हैं, जहाँ इन्होंने वॉशिंग मशीन रखा है, बेसिन लगाया हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। ये देखिए ये वाला फाइटिंग वाला पैड है, वो जो बॉक्सिंग वाला, और ऊपर से इन लोग ने शेड कवर कर लिया, पहले ओपन था अपनी सेफ्टी के लिए कि चोर नहीं आए, बारिश नहीं हो, तो इस तरह से कवर कर लिया है। और ये देखिए ऊपर जाने के लिए इधर से सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों के पास ही ना एक बड़ा सा इन लोग को स्टोरेज भी मिला है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा स्टोरेज का रूम है सीढ़ियों के नीचे, तक जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये लोग अंदर स्टफ़ कर देते हैं। तो ये देखिए सीढ़ियाँ भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, जब घर बन रहा था तो टाइल्स वगैरह दूसरे थे, इन लोगों ने अपने पसंद के टाइल्स वगैरह बिल्डर को बोले कि हमको इस तरह से टाइल्स चाहिए, तो वो चेंज हो गया। थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगता है मगर बाद में चेंजेस हो सकता है, और बहुत से लोग हर कोई अपने अपने हिसाब से ना कुछ चेंजेस करवाते हैं। देखिए ऊपर से हॉल इस तरह से दिखता है, तो ऊपर आने के बाद 2 रूम हैं, एक बड़ा रूम है और एक छोटा रूम है, 2 रूम ऊपर है, 1 रूम नीचे, यानी टोटल 3 रूम है इस घर में। तो सबसे पहले तो इधर का छोटा वाला रूम दिखाते हैं जो कि बेडरूम है, छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं है, बड़ा रूम है, मगर दूसरा जो रूम है वो और भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये देखिए ये रूम है इनका, लाइट ऑन कर देते हैं, और ये देखिए बाहर से भी काफ़ी अच्छा उजाला आ रहा है तो लाइट ऑन कर दी है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा रूम है जहाँ पर डबल बेड रखी हुई है, और इस तरफ से पूरा कबर्ड का एरिया बना हुआ था, तो इन लोग ने बाद में अपने हिसाब से उसको मतलब कॉरिडोर कबर्ड वगैरह बनवा लिए, कॉरिडोर बोल रही, कबर्ड्स वगैरह बनवा लिए हैं, और सीलिंग वगैरह भी। तो ये है बाहर की बालकनी जिससे बाहर का फ्रंट का व्यू दिखता है। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था ना, बाहर कार वार खड़ी हुई थी, उधर का एरिया है, काफ़ी अच्छी बालकनी है। तो देखिए इस तरफ से बाहर मेन गेट का, मेन रोड का, जो इनकी कॉलोनी का मेन एरिया है, वहाँ का व्यू नज़र आता है, तो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को भी इस तरह से ड्यूप्लेक्स। ये देखिए ऊपर से इनकी लॉन भी नज़र आती है, सामने वाले की भी लॉन नज़र आती है, सामने वाले का घर भी नज़र आता है। तो ये रूम है, और रूम के साथ ही इस रूम में वॉशरूम भी है, दोनों रूम में ऊपर वॉशरूम है, इधर एक वॉशरूम है, वॉशरूम भी इनका काफ़ी अच्छे साइज़ का है। और फिर आ जाते हैं दूसरे साइड, देखिए रूम से बाहर निकलते ही देखिए सीढ़ियाँ हैं, और इधर से ऊपर जाने की छत पे टेरेस पे भी जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और अच्छा इनका जैसे दुबई वगैरह में है कि जैसा कंस्ट्रक्शन बिल्डर ने करके दिया है बाद में उस पर चेंजेस नहीं करवा सकते हैं, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। ये लोग चाहें तो ऊपर का एक वो परमिशन लेना होता है, परमिशन लेने के बाद ऊपर का
के फ्लोर में भी घर बनवा सकते हैं, छत के फ्लोर पे। और ये देखिए ये वाला जो रूम है ये काफ़ी बड़े साइज का रूम है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब मेरी बहन की कॉलोनी में बहुत से लोग ने इसको पार्टीशन बीच में करके दो रूम बनवाया है। तो ये देखिए इन्होंने ऐसा बीच में ग्रिल वगैरह लगा लिया है ताकि सेफ्टी हो जाए, क्योंकि बाजू की बालकनी भी, बाजू की विंडो भी काफ़ी पास में थी, तो इन लोगों ने इस तरह से ग्रिल लगा के अपने अपने बालकनी को सेफ कर लिया ताकि कोई ईजिली अंदर ना आ पाए। और ये देखिए ये दूसरे सामने वाला घर दिख रहा है और उनकी आंगन वगैरह दिख रही है, जैसे हम मैंने आपको दिखाया था ना, इन्होंने अपना कवर कर लिया है आंगन, मगर दूसरे लोगों ने, बहुत से लोगों ने कवर नहीं भी किया। देखिए कितने बड़े साइज़ का रूम है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बच्चों के खिलौने हैं, और बच्चे बड़े जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने ऊपर नीचे। उनका मेरी बहन का नाम है बुशरा, अगर उसका छोटा बच्चा परेशान कर रहा है, शोर कर रहा है, तो बच्चे लोग ऊपर आ जाते हैं पढ़ाई करने। ये देखिए दूसरी बालकनी, यानी एक ही रूम में दो बालकनी है, तो आराम से इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो रूम बना सकते हैं। और ये देखिए ये दूसरों के घर है पीछे का, जिनका आंगन है, खुले हुए आंगन है, मेरी बहन ने तो पैक करा लिया है, और कुछ लोगों ने इस तरह से प्लास्टिक वगैरह डाला है ताकि बारिश नहीं आए, धूप नहीं आए। मगर अच्छा है कि अगर उसको पैक करा लो ना तो धूप भी आती है, बारिश वगैरह से सेफ्टी हो जाती है, और कोई चोर वोर अंदर ना आए उससे भी सेफ्टी हो जाती है। तो ये देखिए, और एक बाजू में वॉशरूम भी था, दो बालकनी के बीच में वॉशरूम भी था। तो ये है ऊपर का टूर, ऊपर का मैंने कराया। छत भी इनके काफ़ी बड़ी है, छत पे जो भी चाहे वो लगा सकते कर सकते, और ऊपर से देखिए इस तरह का व्यू। फिर शाम हो गई थी और हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, देखिए फाफड़ा है और ढोकला वगैरह है। तो गुजरात में आए हैं तो गुजराती नाश्ता खाना खाएंगे और क्या। और ये देखिए मेरी बहन के तीनों बच्चे हैं, दो बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, और एक वो था छोटा वाला जो इधर साइड में खड़ा हुआ था। तो बस हम लोग बातचीत कर रहे हैं और चाय नाश्ता चल रही थी। ये देखिए जुहान बैठे हैं, उसके बाद हम लोग बच्चे सब घर पे थे, हस्बैंड सब बच्चों को देख रहे थे, और हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए तो ये बाहर से उनके कॉलोनी का जो व्यू है, आजू बाजू रोड है, अच्छा बाहर से कोई ऐसा आ भी नहीं सकता है, सब जो मतलब कॉलोनी में रहते हैं जिनका घर है वही लोग आते जाते हैं, ऐसे कोई बाहर का कोई भी ऐसा आ नहीं सकता है। तो बस हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए, देखते हैं अब गुजरात आए हैं तो क्या है यहाँ पर। और यहाँ से कॉलोनी के बाहर निकलो ना तब टैक्सी मिलती है, तो हम लोग बस मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए। और फिर ऑटो कर ली है, और वेदर बहुत अच्छा हो गया था, शाम को बदली हो गई थी तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो बस अच्छा लग रहा था ऑटो पे इस तरह से राइड करना। मम्मी बैठी है और हम लोग बैठे हैं, और ये देखिए बड़ी सी एक मूर्ति, बीच में बड़ा सा तालाब था उसमें एक बड़ी सी मूर्ति थी, तो वो मैंने ऐसे कैप्चर किया है, गुजरात की ऐसे बड़ौदा की निशानी है। ये देखिए करीब से, तो आ गए हम लोग देखिए मार्केट, और ये है वहाँ की, यहाँ की कोर्ट है ये, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है। तो ये देखिए मार्केट आ गया है, और मार्केट में देखिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही गुजर रहे थे मार्केट की तरफ, तो उसके पहले जो है छोटे छोटे से ऐसे स्टॉल लगा के बैठे हुए थे, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के सूट्स थे और लोगों की ऐसी भीड़ थी, लोग जिस तरह से ले रहे थे, तो मैंने कहा मम्मी चलिए देखते हैं हम लोग भी किस तरह से। और कॉटन के काफ़ी अच्छे अच्छे सूट थे यहाँ पर, और काफ़ी सस्ते थे, रीज़नेबल, मतलब 300 में ये सारे सूट हैं, और जिसके प्रिंट भी बहुत अच्छा था, तो हम लोग ने यहाँ से लिया। और उसके बाद तो देखिए मम्मी चली जा रही हैं, और ठेले पर इतनी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ लगी हुई थी, हमने कहा मम्मी देखिए बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है आके देखिए, तो मम्मी आ नहीं रही थी, मम्मी को लालच देके बुलाया कि देखिए बहुत अच्छी डिज़ाइन है आके देख लीजिए। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है, तब आई मम्मी देखने के लिए, क्योंकि हम लोग इस तरह से लेते नहीं हैं ठेले वेले से, मगर काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिख गया। तो आपने सुना कि 250-250 रुपये में इतनी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मिल रही थी, तो हम लोग ने लिया, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए शोरूम की तरफ, क्योंकि मेरी बहन ने बोला था बाई हो तो अपनी पसंद का ड्रेस ले लो मेरी तरफ से। तो रास्ते में देखिए जितने लोग भी हैं सब ठेलों पर से ही शॉपिंग कर रहे थे, चाहे वो ज्वेलरी की शॉपिंग हो चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग हो। फिर मैं आपको आगे का शोरूम भी दिखाती हूँ जाके। जब हम लोग शोरूम के अंदर पहुँचे तो सारे शोरूम ऐसे खाली पड़े हुए थे और ठेले वाले अच्छा कमा रहे थे। देखिए हम लोग आए और इस तरह से कुछ मुझे फ्रॉक स्टाइल का कुछ ड्रेस वहाँ पे चला हुआ था,
इस टाइम पे नायरा कट और आलिया कट तो मैं वही देख रही थी, तो मगर कुछ कलर्स मुझे कोई अच्छा कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया। जब पसंद आ रहा था तो रेट इतना ज़्यादा बता रहे थे, जो कि ड्रेस के हिसाब से वो रेट अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना महंगा पैसा लगाओ और फिर ड्रेस जो है वो कॉटन और रेयान में। तो इसलिए फिर देखिए आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ किस किस तरह के ड्रेस थे। इस तरह के लॉन्ग फ्रॉक्स का जो है बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। देखिए कोटी वाला ड्रेस था तो फिर मैंने नहीं लिया वहाँ से, और फिर घर आ गया। ये शाम का व्लॉग है तो देखिए बहन ने बच्चों के लिए कपड़े ऑर्डर किए थे तो वही सब निकाल के दे रही थी कि बच्चों के लिए ऑर्डर किया है और हम लोग के लिए, मेरे लिए ये वाला ड्रेस मंगाया था ग्रे कलर का। लखनऊ में उसकी फ्रेंड गई थी बुशरा की, उनका मायका था तो लखनऊ से हम लोग के लिए ड्रेस मंगाया था। और ये देखिए बच्चों के लिए मंगाया ऑर्डर किया हुआ था ड्रेस। तो ये ड्रेस है जो मैं लेकर आई थी ठेले पर से 300 रुपये का। अब कभी मैं आपको ये ड्रेस पहने हुए नजर आ रहा हूँ अपने किसी व्लॉग में तो आप लोग ये नहीं कहिएगा अच्छा ये तो वही ड्रेस है जो तुमने ठेले से लिया था, ठेले पर से। मगर कलेक्शन बहुत अच्छा था तो ले लिया, वैसे तो ले लेते हैं। और ये देखिए कुर्तियाँ थी, जो कुर्ती ली थी मैंने। तो ये था आज का यहाँ तक का व्लॉग, होप आप लोग ने इन्जॉय किया होगा, पसंद किया होगा। पसंद किया होगा तो आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। और देखिए कुर्ती कितनी प्यारी है, देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है तीनों। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।